हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर बाबा। और रिसेंट मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई थी कि ओवरराइड मटेरियल क्यों डालते हैं, कैसे डालते हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स पे अपन डिस्कस करेंगे। उसके लिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। देखिए, मेरी जो ये स्क्रीन आ रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ओवरराइड मटेरियल। ओवरराइड मटेरियल सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों डालते हैं। देखिए, ओवरराइड मटेरियल में क्या है, लाइट कैसा बाउंस कर रही है वो हमें अच्छे से पता लग जाता है। कई बार क्या होता है, मटेरियल में कोई डार्क मटेरियल जहाँ पे होता है वो लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, तो वहाँ पे लाइट उतना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाती, बट प्रैक्टिकली लाइट अपना वर्क कर रही है और लाइट कलर में लाइट ज़्यादा बाउंस करती है। तो हम एक इवन कलर में हम पूरी लाइट को यहाँ से देख सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा ओवरराइड मटेरियल है, यहाँ पे ग्लास दिख रहा है, ग्लास का रिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ पे वुड का मटेरियल है वो भी दिख रहा है। तो आप चाहें उस ऑब्जेक्ट पे जो है ओवरराइड को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है, हम चलते हैं हमारे रेंडर से 3ds Max पे, और यहाँ पे अपन देखते हैं तो ये पूरा मटेरियल इस पे ऐसे कैसे दिख रहा है। जबकि मैंने करना क्या होता है, रेंडर सेटअप पे जाओ और यहाँ पे हम जाएंगे वीरे टैब में और यहाँ पे चले जाएंगे ग्लोबल स्विचेज। हम जब इसका इस पे जाना है, हमने ओवरराइड को ऑन करना है। यहाँ से मैं मटेरियल ले लेता हूँ, कोई भी एक मटेरियल ले लूँगा मैं। यहाँ पे मैंने डाला वीरे मटेरियल, मटेरियल में गया और ये मैंने वीरे मटेरियल ले लिया। नेमिंग मैंने कर दी इसकी XYZ जो भी है, और मैंने इसको ड्रैग करते हुए ओवरराइड पे इंस्टेंसली करना है। ये करने से पहले आप यहाँ पे ध्यान रहे कि आपका चेक इन। अब जिस ऑब्जेक्ट पे आपको ओवरराइड अप्लाई नहीं करना है, उसके लिए आपके पास एक्सक्लूड का ऑप्शन है। आप उनका ग्रुप बना के रखें। तो मैंने ये जितनी भी रेलिंग वगैरह जो हैं उनका एक ग्लास के नाम से मैंने बना रखा है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ग्लास, और एक मैंने बना रखा है ग्रुप 2। ये दोनों पार्ट्स को मैं यहाँ पे ले लूँगा और ओके कर दूंगा। तो इन पार्ट्स पे ओवरराइड अप्लाई नहीं होगा। और अब अगर मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ, ये मेरा रेंडर जो है कुछ इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं ओवरराइड मटेरियल इस तरीके से आपका जो है रेंडर होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पे इजीली, आपको पता है कि कौन सी लाइट कैसा इम्पैक्ट दे रही है, और इवन टोन में भी अगर आपको जो एक ओवरराइड मटेरियल आपको यूज़ करना होगा वो आप कर सकते हैं। अब इस केस में हमारा ये ओवरराइड इस तरीके से हो गया। जैसे मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये वाला पार्ट मेरा इस तरीके से रेंडर हो रहा है। सपोज यहाँ पे ये जो मेरी CNC डिज़ाइन लग रही है, मैंने इस पर भी जो है जो एक्चुअल मटेरियल है वही देखना है। मैं स्टॉप करूँगा, अगेन मैं एक्सक्लूड में जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरे को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस पे जाऊँगा, मॉडिफाई में देखूँगा मैं, तो ये है Shape 10, Shape 8 और Shape 11। क्या करूँगा मैं, एक्सक्लूड 8, 10 और 11, इनको इस साइड में ले लूँगा अगेन, और अगेन मैं रेंडर हिट करूँगा। अब आप देख पा रहे हैं जो भी मटेरियल यहाँ पे था वो मटेरियल आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आप इजीली हर एक लाइट को देख सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट कैसा आने वाला है। ठीक है, तो फाइनली जो इसका इम्पैक्ट जो आएगा वो हम देखेंगे। इसका इम्पैक्ट ये आना चाहिए, हम एक बार देख लेते हैं कैसा इम्पैक्ट इसका आ रहा है। स्पीड अप कर देंगे अपन। तो फाइनली इस तरीके का आउटपुट हमें मिलता है, अभी रेंडर हो रहा है। आई थिंक वीडियो का पर्पज़ यहाँ पे क्लियर हुआ, और होप
आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।